बेव क्यों डाले सब इन तो आज सब्सक्राइबर बैटल में टोनी स्टार्क आयरन मैन भी पार्टिसिपेट करने वाले भाई। मिस्टर बीडी की टीम में डीन एम्ब्रोस, आयरन मैन, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, तीनों विनिंग प्लेयर है भाई। आयरन मैन तो विनर है, ऑब्वियसली वो मार्वल में भी विनर था और हमेशा रहेगा। और अपोनेंट टीम में सैयद साद भाई की टीम, कोडी रोड्स, जॉन सीना, अंडरटेकर, भाई तीनों ही सुपरस्टार ऐसे हैं जो करंटली परफॉर्म नहीं कर रहे हैं पिछली कुछ फाइट से, लेकिन एक एक रैंडम सुपरस्टार तो अभी बाकी है ना, तो हो सकता है रैंडम सुपरस्टार में कोई धासु सुपरस्टार इन लोगों को मिल जाए। फटाफट से देख लेते हैं, पहले मिस्टर बीडी की टीम में 1 2 3 4 5 ब्रॉक लेसनर, लियो भाई लियो, सोने पे सुहागा हो गया भाई, पहले ही इतनी टीम तगड़ी थी ऊपर से ब्रॉक लेसनर मिल चुका है। चलो तो देखते हैं भाई अभी सैयद भाई की टीम में क्या मिलने वाला। 1 2 3 4 5 एक्स पैक भाई, भाई 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 मैं कुछ नहीं बोलूंगा। देखो वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं कुछ नहीं बोलने वाला अभी, मेरा कोई ओपिनियन मैं बनाने वाला हो ही नहीं अभी किसी भी टीम के ऊपर, क्योंकि भाई मिस्टर बीडी की टीम में एक तो तीन धासु प्लेयर थे ही, ऊपर से ब्रॉक लेसनर और आ चुका है, मतलब तुम समझ रहे जले हुए नमक वाली बात हो गई। एक तो देखो सीना और टेकर सर बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, कल की फाइट में तो टेकर सर ने एक फिनिशर नहीं लगाया, उससे पहली वाली फाइट जो हारी टीम वो सीना ही वजह से हारी थी क्योंकि सीना ने फिनिशर नहीं लगाया था। हाँ कोटी से मैं उम्मीद समझ सकता हूँ, कोटी कुछ कांड कर सकता है, बाकी देखो एक्सपेक का कुछ नहीं कहा जा सकता कि एक्सपेक कुछ कांड करेगा या नहीं करेगा भाई। देखो पहली बार देख रहा हूँ मैं गेम प्ले और तीन तीन फिनिशर है सभी के पास, तो कोटी ने नॉर्मल फिनिशर लगाया, कोटी ने सुपर फिनिशर नहीं लगाया, तो जिसके पास सुपर फिनिशर है वो सुपर फिनिशर लगा सकता है, ब्रॉक को छोड़कर सभी के पास सुपर फिनिशर है और ऑस्टिन के पास भी नहीं है, तो जिसके पास सुपर फिनिशर है भाई वो सुपर फिनिशर डेफिनेटली लगा सकता है। और सीना आज क्या कांड करने वाले हो भाई, मैंने आज NWO वाला सीना लिया क्योंकि तुम लोग कहते हो ना कि NWO वाला सीना लो भाई, कॉस्टिन चप्पल निकाल लाए, इतनी बेइज्जती सीना की मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी, मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा भाई सीना की, ये सीना मुंह पे चप्पल ना, सीना मुंह पे चप्पल नहीं खाने वाले भाई, ऑस्टिन गलत फहमी में जी रहे हो सर। सीना ठीक है, सीना आज सबको गलत साबित करके आज सुपर फिनिशर लगा ही दो, सुपर एटीट्यूड एडजस्टमेंट मत आ जाओ, डीन एम्ब्रोस से पंगा नहीं, एक तो ब्रॉक लेसनर आयरन मैन कैसे खेलने वाला भाई, 82-83 ओवरऑल है तो अच्छा ही खेलेगा भाई, इतना बुरा नहीं खेलेगा। और फिनिशर देखो क्या मिलने वाला है, मिल तो चुका ही आयरन मैन को, लेकिन फिनिशर क्या होगा, आयरन मैन के पास भी सुपर फिनिशर है भाई, ये तो भाई बहुत तगड़ा कांड होने वाला आज फाइट में, आज तुम देखते जाओ। ओ सुपर फिनिशर के लिए जा रहा था सीना, लेकिन कनेक्ट नहीं हो पाया, डॉज कर गए थे ऑस्टिन, सीना अब लग सकता सुपर फिनिशर लगा, रिवर्स ना हुआ, तुम कितना ही कुछ कह लो सीना की किस्मत पांडु ही है भाई, 2K24 में यार सुपर फिनिशर रिवर्स हो गया यार, नहीं होना चाहिए था भाई, सीना से मैं क्या कहूँ वो क्या बोलूँ यार, मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स। ओके स्पीयर, आयरन मैन के पास स्पीयर है भाई, ये कांड कर देगा फाइट में पहली, ओ सीना 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 तीसरा फिनिशर लगाने से बचा है, ये आयरन मैन की एक जूते में लाइट क्यों चमक रही है, आर्क रिएक्टर वहां भी लगा हुआ है क्या भाई, चेस्ट पे तो था ये, हील्स में कहां से आ गया ये, तुमने देखा हील्स में भी लाइट चमक रही है आयरन मैन की, भाई मॉड बनाने वाले ने क्या बनाया। और आते आते कोडी रोड्स ने अपना फिनिशर चिपका ही दिया, एक फिनिशर ऑस्टिन को लगा, एक फिनिशर आयरन मैन को लगा, आयरन मैन के पास अभी भी सुपर फिनिशर बना हुआ है, तो जब सुपर फिनिशर हो सामने वाले सुपरस्टार के पास, तू समझे वो एंड मोमेंट तक कांड कर सकता है, क्योंकि सुपर फिनिशर एक ऐसा फिनिशर है जो तीन फिनिशर के बराबर है, तो समझ रहे हो वो पूरा कांड हो सकता है। सीना ही क्यों, मतलब सबको सीना नजर आता है क्या, जब भी सीना को फाइट में लो सबको सीना नजर आने लगता है, सीना के फिनिशर भी सब रिवर्स करने लगते हैं। अच्छा एक चीज़ और, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ है तो वेपन्स वगैरह सब कुछ यूज होंगे और 10 तक का काउंट है नीचे। अरे सुपर स्पीयर लगा दी इनने, आयरन मैन टोनी स्टार्क जलवे में, ना 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 ये गड़बड़ हो गई भाई, ये गड़बड़ हो गई, कोडी
की बॉडी अभी से ऑरेंज हो चुकी है। अब आयरन मैन को टैग दे देना चाहिए, सुपर फिनिशर लगा के पूरा कांड तो कर ही दिया भाई। आपको एक्स पैक के पास भी सुपर फिनिशर, अच्छा एक्स पैक के पास कोई और पेबैक नहीं है सुपर फिनिशर के अलावा, कोई भी एबिलिटी नहीं है? ये तो मतलब आई थिंक 76 ओवरऑल है तो रेजिलियंस नहीं है समझ में आता है, लेकिन इसके अलावा और भी तो एबिलिटीज हो सकती थी ना, मतलब और पेबैक क्यों नहीं है कोई? अच्छा इस चीज़ का मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि एक्स पैक के पास कोई पेबैक नहीं है, मैं चाहता था डिफॉल्ट रहे सब कुछ जो है पहले से बना रहे। अभी तो डीन एम्ब्रोस, ब्रॉ, अंडरटेकर सबकी एंट्री होनी है भाई, अभी तो एंट्री हुई नहीं है तो इतनी इंटरेस्टिंग लग रही है फाइट। अभी इन लोगों की एंट्री होगी तो कहाँ फाइट जाने वाली है, और टेकर सर की एंट्री हो चुकी है। देखो कल तो टेकर सर का भले कोई फिनिशर कनेक्ट नहीं हुआ था, अब देखते हैं आज होता है कि नहीं होता। आज मेरे ख्याल से होना तो चाहिए क्योंकि टेकर सर पे ये जो दाग लग रहा है ना कि फिनिशर नहीं लग रहा, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और आई और ले और ले और ले और ले पूरी कसर एक बार में निकाल दी टेकर सर ने भाई, सुपर फिनिशर लगा दिया टेकर सर ने भी, ले हो गया कांड। डीन एम्ब्रोस से पंगा मत लो टेकर सर अभी प्लीज, डीन एम्ब्रोस यार खतरनाक सुपरस्टार है और वो कांड कर सकता है बुरी तरीके से। टेकर सर के भी सारे फिनिशर यूज होगा, सुपर फिनिशर लगते हुए फाइट में अच्छे लगते हैं। टेकर सर अगर चेयर निकाली तो यही आते यार। आयरन मैन फिर से सीना को पेलने लगा, भाई सीना ही दिख रहा है क्या? एक्सपेक्ट खड़ा है, कोडी खड़ा, उसे मार लो ना। अरे सीना को ही पेलना, पता नहीं क्या बात है, देखो नीचे पेले पड़ा भाई, सीना की नसीब खराब है क्या चक्कर है? अरे छोड़ दे भैया, टोनी भैया, टोनी भैया तुमसे कोई पत्ते वत्ते छीन ली गया उसने हॉलीवुड में, जो तुम सीना को पहले ही पड़े हो? सीना ने कोई मूवी तो नहीं छीन ली ना? ना 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 ना, कहीं ऐसा ना आयरन मैन के रोल में जॉन सीना आने लगे टोनी स्टार्क की जगह। टोनी स्टार्क का नया डॉक्टर डून का कैरेक्टर आ रहा भाई, उसमें भी मास्क है और गजब होने वाला यार। टोनी की वापसी मार्वल को धूम मचा देगी। एक तो डेडपूल और वुल्वरीन ने पहले धूम मचाई हुई है, उसके बाद जब टोनी की वापसी होगी तो धूम मचेगी मार्वल में बुरी तरीके से। कौन है लीगल सुपरस्टार? अंडरटेकर और आयरन मैन। टेकर सर बाहर क्या कर रहे हो? अच्छा दो ही तक काउंट हुआ है तो कोई टेंशन नहीं है, हाँ आराम से पहलो, आराम से पहलो, सबको पहलो नीचे, कोई दिक्कत नहीं है, बस 10 तक काउंट होने से पहले नीचे आ जाना। और आयरन मैन इस बार फिर एक्स पैक ने वापस से धर दिया सीना की तरफ, नहीं ये क्या कर रहा भाई आयरन मैन, क्या करना चाह रहे थे? टेकर सर की टेकर सर अंदर आए तो आयरन मैन बाहर चला गया। आयरन मैन वापस से, आयरन मैन के पास कोई फिनिशर नहीं है, टेकर सर के पास भी कोई फिनिशर, अरे आयरन मैन के पास दो फिनिशर है। ओके इसने सीना को पेल पेल के दो फिनिशर बना लिए, बढ़िया भाई समझदारी। आयरन मैन के पास एक स्पीयर आ, टेकर सर के पास एक सिग्नेचर है तो चोक स्लैम लग सकती है, आयरन मैन को बच के चलना पड़ेगा। ये रिवर्स हो गया, टेकर सर चोक स्लैम के लिए जा सकते थे लेकिन अभी नहीं, आयरन मैन मतलब अभी नहीं, एक फिनिशर मुझे लगा आयरन मैन को लगा टाटा बाय हो जाएगा। ओके ऑस्टिन, ऑस्टिन द गेम चेंजर, द फाइट विनर, ऑस्टिन आज कांड करेगा, ऑस्टिन द केवल हेड ही येलो है अभी। अच्छा ऑस्टिन की खास बात यह है कि 10 में से अगर 9 फाइट में ऑस्टिन जल्दी जल्दी फिनिशर लगाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसलिए ऑस्टिन एक फाइट विनिंग सुपरस्टार है। ऑस्टिन ने किक आउट किया, ऑब्वियसली करना ही था, एक फिनिशर ऑस्टिन लगा ही दो यार। ऑस्टिन सर मुझे लग रहा है ना आप बियर बियर मंगवानी पड़ेगी ऑस्टिन के लिए, तभी काम दिमाग काम करेगा भाई इनका, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शौकीन है भाई कैंस फोड़ने के। फिनिशर सिग्नेचर लगाए, ठीक है स्टार्टिंग हो चुकी है, ये स्टार्टिंग हो चुकी है। आप देखो तो फिनिशर बैक टू बैक्स आने वाले हैं। ब्रॉक को टैग दो यार, ब्रॉक की एंट्री होनी चाहिए। ओ डीन एम्ब्रोस, ओ किस द सनकी मैन, ये तो पक्का सनकी है भाई, इसका कोई मुकाबला नहीं है WWE में। जब तक शील्ड में था डीन एम्ब्रोस गजब था, और शील्ड टूटने के बाद भी डीन बिल्कुल सनकी था, मतलब आप ये नहीं कह सकते फिनिशर है। ये हद हो गई यार, मैं सीना को लेना ही बंद कर दूंगा, मैं सीना का सिलेक्शन ही बंद कर दूंगा। सीना के इतनी फिनिशर रिवर्स होने लगे ना, अच्छा खासा पिछली फाइट में सीना के पास एक दूसरा वर्जन है सीना का, उसमें आरक्यू था सीना के पास, कुछ फिनिशर लगाए भी थे, हाँ फाइट जरूर आ रहे थे लेकिन फिनिशर तो लगाए थे, रिवर्स कम हुए थे। अब यार तुम लोगों को उसमें भी दिक्कत थी कि भाई ओरिजिनल फिनिशर चाहिए सीना का, तो मैंने NW वाला वर्जन लिया,
अब देख रहे हो सीना, एक भी फिनिशर नहीं लगाया, चार बार फिनिशर रिवर्स हुआ, चार बार। मतलब कैन यू बिलीव इट कि चार बार किसी सुपरस्टार का फिनिशर रिवर्स हो। सीना हार नहीं माननी है, फिर से ट्राई करो, लगेगा लगेगा जरूर लगेगा। अच्छा सीना का हेड लाल हो चुका है, क्या कहते हो किसका भाई पलड़ा भारी बैठ रहा है। देखो ब्रॉक की एंट्री हुई नहीं है, ऑस्टिन इतना पिटा है थोड़ा ही बहुत। ओ सीना के पास सुपर फिनिशर नहीं है ना, तो ये भी रिवर्स हो गया। मैं नहीं खेलूंगा यार, मैं बिल्कुल नहीं खेलूंगा, मेरे को खेलना ही नहीं है अब, ये बेईमानी हो रही है यार। डीन एम्ब्रोस ने अपना फिनिशर लगा दिया, वो भी सुपर फिनिशर लगाया है। मतलब यार सीना से क्या दुश्मनी टूके वालों की, सीना के मूव्स तुम रिवर्स करवा रहे हो, सीना को पिटवा तुम लग रहे हो, सीना पर आगे फिल फॉल नहीं हो पाएगा यार, कोशिश करना बेकार है। सीना के पास कोई फिनिशर भी तो नहीं बचा है। मतलब रियल में सीना देखा जाए इतना लुल नहीं है जितने टूके वाले ने लुल दिखा दिया। मतलब उसी के मूव्स में इतने सारे रिवर्सल है। एनडब्ल्यू वाला सीना अच्छा खेलता है, पिछली कुछ फाइट से सीना का परफॉर्मेंस अच्छा ही नहीं आ रहा, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। सीना चप्पल फेंक के मार दो दूर से, फेंकने का ऑप्शन है सीना, क्या कर रहे हो। अरे मार दो फेंक के, सीना नीचे पेल लो थोड़ा बहुत, जो है बच्ची कुछ कसर अपनी पूरी कर लो। सीना को तुम समझो एक फिनिशर है, सिग्नेचर लगा, टाटा बाय बाय हो जाएगा। अरे सीना, सीना स्टाइल किसको दिखा रहे हो भाई, कुछ वो काढ़ा नहीं है फाइट में, जो स्टाइल दिखा रहे हो। सीना के पास एक फिनिशर आने वाला आ चुका है। सीना एक फिनिशर देख ले तो मजा आ जाए, दिल को सुकून पड़ जाएगा कि हाँ सीना ने एक फिनिशर लगाया मेरे भाई ने। लेकिन अगर डीन एम्ब्रोस में पहले, डीन एम्ब्रोस के पास फिनिशर नहीं है, लियो बची कुछ ही कसर भी निकल जाएगी। अब ब्रॉक लेसनर की एंट्री, क्यों है ब्रॉक के पास, ये मेरी गलती नहीं है, मेरे पास ब्रॉक लेसनर के तीन वर्जन है, उसमें एक वही आया जिसके पास आरक्यू है, क्योंकि व्हाट इफ की वीडियो के लिए मैंने सीना रोहन और ब्रॉक को आरक्यू दिया था, मेरी गलती नहीं। आते आते अगर जॉन सीना को एलिमिनेट किया है ब्रॉक ने, चलो कुछ नया देख लेते क्या दिक्कत है। अब तुम लोग ये मत कहना है कि भाई ओरिजिनल फिनिशर, मतलब ब्रॉक हर फिनिशर के संग बढ़िया ही बढ़िया है। अब वो भले F5 हो, F10 हो या आरक्यू आउट ऑफ नोवेयर हो, तो ब्रॉक आरक्यू के संग पहला आते जाते कांड कर दिया ब्रॉक ने, और आगे कितने करने वाला वो हम फाइट में देखने वाले, थोड़ी देर में पता लगेगा यार। पेशेंस रखो भाई, पेशेंस इज द की। ऑस्टिन को पीला, अच्छा फुटबॉल निकाल लाया ब्रॉक, ब्रॉक कोशिश कर रहा है फुटबॉल मारने की। अब क्या कर रहा है ब्रॉक समझ में, ये लगी नहीं लगी नहीं, ब्रॉक का निशाना चूक गया भाई। रोनाल्डो से ट्रेनिंग दिलवाओ ब्रॉक लेसनर को फुटबॉल की, एक्चुअली ये फुटबॉल नहीं है, ये रग्बी वाली बॉल है। जो रग्बी वाला गेम देखा होगा ना तुमने, अक्षय कुमार की एक मूवी में भी था, वो रग्बी वाला गेम में ऐसी बॉल होती है, फुटबॉल में नहीं होती है। अच्छा वेपन्स में इसका नाम फुटबॉल दे रखा है, तो आई थिंक ये गलत है, ये रग्बी वाली बॉल है जिसको लेके भागते हैं ना और लेके जाते हैं और अपने गोल पोस्ट में जाके रख देते हैं। अभी कौन बचा है, देखो सीना गया है केवल, इसके अलावा आयरन मैन का हेड लाल है। ब्रॉक के पास ये दो फिनिशर है अभी भी, ब्रॉक के पास दो फिनिशर, हाँ ब्रॉक के पास दो फिनिशर है, और ब्रॉक पूरी टीम को डोमिनेट कर रहा है इस समय। एक्सपेक्ट भाई पिटे ही पड़ा है, क्या चक्कर है, चेयर उठाई वापस रख दी। और लीगल प्लेयर कौन है, अच्छा ब्रॉक है और अंडरटेकर है, ठीक है टेकर ब्रॉक नीचे ही है। टेकर सर कब लगा पाएंगे, मुझे लग रहा है चोक स्लैम, मतलब लग क्यों नहीं पा रहा, तीन बार ट्राई कर चुके हैं सीना की, पर टेकर सर ने एक सुपर फिनिशर तो लगा ही दिया। देखो यार मैं गलती सीना की नहीं बोलूंगा, पर पता है क्या है कि सीना ने कोशिश तो करी थी फिनिशर लगाने की, लेकिन वो रिवर्सल डबल रिवर्सल जो है ना सीना की मूव्स में से टूके को हटा देना चाहिए। आरक्यू आउट ऑफ नोवेयर, ये तो ऑटम से अच्छे आरक्यू ग्रैब कर रहा भाई ब्रॉक। ब्रॉक के पास अभी एक फिनिशर और बचा हुआ है, दो फिनिशर आते आते ब्रॉक ने लगा दिए हैं। टेकर सर का हेड लाल हो चुका है। कोडी और एक्सपेक्ट, कोडी कुछ कांड कर सकता, कोडी फिनिशर है तुम्हारे पास क्या, हाँ कोडी के पास दो फिनिशर है, बॉडी कोडी की भी लाल हो चुकी है, तो तुम ये मत कहो कि जीतने कौन वाला,
भाई देखा जाए तो मिस्टर बीडी की टीम ही बीडी यार, क्या मतलब अजीब नाम है भाई, अपना पूरा नाम लिख के भेजना मिस्टर बीडी, बीडी नाम है तो बीडी बोल रहा हूँ मैं, मतलब बीडी ही बोला मैंने, बीडी मुंह से निकल गया था मेरे, तो माइंड मत करना भाई, हाँ मिस्टर बीडी ही है। कोडी फिनिशर, डीन एम्ब्रोस को लगा कोडी ही है जो कांड कर सकता है फाइट में, डीन एम्ब्रोस का भी हेड लाल है, आयरन मैन का भी हेड लाल है, तो फाइट टक्कर पे है ये मत कहो कि नहीं है। वहाँ एक्सपेक्ट थोड़ा सा मुझे लगता है कि 76 ओवरऑल है तो हो सकता है वीक हो जाए, वहाँ पर एक्सपेक्ट के पास सुपर फिनिशर है जिसको लगेगा उसका कांड होगा, और कोडी को लगा फिनिशर, कोडी एलिमिनेट नहीं हुआ थैंक गॉड, कोडी चला जाता तो मतलब फाइट इतनी क्लोज नहीं जा पाती, जब तक कोडी है तब तक फाइट क्लोज जाएगी बहुत ज़्यादा। एक्सपेक्ट को तो मतलब बिना टैग मिले ही भाई बॉडी येलो ये हो चुकी है, एक्सपेक्ट तो मारने में पता नहीं क्यों, ब्रॉक भी मार रहा था, डीन एम्ब्रोस भी मार रहा है, डीन के पास कोई फिनिशर नहीं है, कोडी के पास एक फिनिशर है। अच्छा मोस्ट ऑफ द सुपरस्टार्स की देखोगे आप, 3-4 सुपरस्टार का इस समय बॉडी पार्ट रेड है, एक डीन एम्ब्रोस का हेड है, आयरन मैन का हेड है, कोडी की बॉडी है और अंडरटेकर का हेड है, तो जिसका हेड है ना वो एक क्या एक फिनिशर एक सिग्नेचर के मेहमान है, ज़्यादा उनको टाइम लगेगा नहीं एलिमिनेशन में, तो अगर आप लोगों को फाइट सोच रहे हो कि लंबी लग रही है ना तो रुके रहना भाई, जाना मत अभी, क्योंकि फिनिशर एक बार एलिमिनेशन जब स्टार्ट होंगे ना तो बैक टू बैक होते चले जाएंगे। कोडी गया, डीन एम्ब्रोस यार गया नहीं है, जाना चाहिए था यार, हेड लाल था, चलो कोई ना लिख, ओके बीट कर रहा भाई डीन एम्ब्रोस, डीन के पास फिनिशर है ना, कोई फिनिशर नहीं है, अब आ चुका है, कोडी को बच के चलना पड़ेगा भाई, कोडी को अगर फिनिशर लगा तो जा सकते हैं, कोडी टाटा पाप हो सकता है, कोडी कोडी मेरा भाई ये क्या हो गया, ये गलत हुआ यार, अब बस से केवल टेकर सर, ये गलत हुआ भाई, कोडी का मीटर ही नहीं था रेजिलेंस का, रेजिलेंस का मीटर होता तो कम से कम रेजिलेंस तो यूज कर लेते, ओ अंडरटेकर को उल्टा टांग दिया भाई डीन एम्ब्रोस ने, अरे डीन भाई मुझे पता है तुम सर क्यों इतना बुरी तरीके से मत पेलो, अच्छा टेकर सर का भी हेड ऑलरेडी लाल है, तो मुझे लग रहा है भाई फाइट निकलना जाए आज से, टेकर सर है जो कांड कर सकते हैं इस समय, डीन एम्ब्रोस के पास ओके ऑस्टिन, ऑस्टिन के पास तीन फिनिशर है, पहला लगा टेकर सर गए, ये गड़बड़ हो गई, एक्सपेक्ट एक फिनिशर लगा सकते हैं सुपर फिनिशर, लेकिन ऑस्टिन लगाने नहीं देगा, ऑस्टिन लगाने देगा ही नहीं भाई, ये तो डेफिनेट बात पक्की है, एक्सपेक्ट के पास सुपर फिनिशर है ये, अच्छा नॉर्मल मूव लगाया, चलो एक फिनिशर तो लगाया एक्सपेक्ट में, जो भी है ठीक है, अब मुझे लगता है गेम प्ले देखना ही चाहिए क्योंकि काफ़ी हालत ख़राब है बाकी सुपरस्टार्स की भी, तो हो सकता है एक्सपेक्ट एक फिनिशर लगा के एलिमिनेट कर दे, ये क्या है, अच्छा सिग्नेचर लगा के फिर से सुपर फिनिशर ले आया एक्सपाक, ओके ब्रॉक आ चुका है, ब्रॉक सबसे कम पिटा रहे हैं भैया एक्सपाक, ब्रॉक लेजनर आ चुका है नीचे, लियो सुपलेक्सिटी बचा ली ओके बढ़िया, ये जबरदस्त, और फिनिशर लगाओ भाई, ब्रॉक को सुपर फिनिशर लगाने का टाइम है, क्योंकि ब्रॉक अगर चला गया तो उम्मीद बन सकती है इनकी जीतने की, पर ब्रॉक जाने नहीं देगा, आरक्यू आउट ऑफ नोवेयर भाई, एक्सपाक का हेड लाल, आरक्यू से तबाही बचा रहा ब्रॉक लेसनर, एक्सपाक ने किक आउट कर दिया, ठीक है एक ही फिनिशर लगा इसलिए किक आउट कर दिया, अब ये फिनिशर में एलिमिनेशन पक्का है, फंसा के पिनफॉल नहीं होगा, ना हाँ किक आउट कर देगा, एक सुपर फिनिशर अगर लगा देंगे ब्रॉक को तो उम्मीद बन सकती है कि ब्रॉक लेसनर एलिमिनेट हो, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा, जब तक ब्रॉक है तब तक तो कुछ नहीं हो पाएगा, ये सुपर फिनिशर है क्या कॉर्नर में एक्सपाक का, ये बहुत देर से ट्राई कर रहा भाई, फिनिशर सुपर फिनिशर के लिए जा रहा था एक्सपाक लेकिन लग नहीं पाया, ये सुपर फिनिशर ही है, ये सुपर फिनिशर ही है, ब्रॉक लेसनर एलिमिनेट नहीं हुआ है, सुपर फिनिशर लगने के बाद भी हो ये
अच्छा, ब्रॉक को कोई फिनिशर पहले से लगा हुआ नहीं था ना, इसलिए एलिमिनेशन नहीं हुआ। अगर लगा हुआ होता तो एलिमिनेशन हो जाता। ये अगर सिग्नेचर लगा दे तो हो सकता है ब्रॉक एलिमिनेट हो जाता है, क्या कहते हो? अगर सिग्नेचर लगता तो मेरी ब्रॉक एलिमिनेट हो सकता है। वेपन से हो सकता है क्या? पेलो 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 वेपन से पेलो। ब्रॉक की हालत खराब है। एक्स पाक भाई सही खेल रहा है, देख रहे हो? वो की स्टील स्टेप्स में घुसेड़ दिया। ब्रॉक अंदर तो आ जाएगा, एक्स पाक जलवे में। एक्स पाक पहले क्यों नहीं आया खेलने? पहले आता तो जबरदस्त रहता भाई। सिग्नेचर लगा दे भाई, सिग्नेचर लगा दे। नॉर्मल। ओ ब्रॉक गया। अगर ऑस्टिन की हालत ज्यादा खराब नहीं है, फिनिशर एक सिग्नेचर लगाओ यार पहले। सिग्नेचर लगाओ। अरे गया। ओके ओके। एक्सपर्ट काफी लड़ाया, मतलब ब्रॉक को एलिमिनेट कर दिया, कम बड़ी बात नहीं थी भाई। ब्रॉक लेसनर को एलिमिनेट किया, सुपर फिनिशर अच्छा था एक्सपर्ट का। तो वीडियो में मजा आया तो यार लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।